नमस्कार, मैं शालिनी। चलिए आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट दाल बनाना बतलाती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाने का तरीका दिखलाती हूँ। मैंने लिए हैं तूर दाल। तूर दाल को मैंने धोकर रखा हुआ है। इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने जितना दाल लिया है उसका डबल पानी ले लिया है और इसमें धुला हुआ दाल डाल दूँगी। उसमें एक प्याज डाल देती हूँ। ये बहुत झटपट भी बन जाता है। कड़ी लीफ में ऐसे ही डाल देती हूँ। बहुत हेल्दी है ये। थोड़ा टमाटर, एक टमाटर मैंने इसमें डाला है और मैंने पालक को धोकर काट लिया है, इसे डाल देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच। मैंने आप सबके साथ सांबर पाउडर की रेसिपी शेयर की है, कैसे तैयार करते हैं। एक चम्मच सांबर पाउडर। इसमें मिर्ची भी है तो मैं इसमें मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो। साथ में मैं इसमें थोड़ा हल्दी डालूंगी और नमक, बिल्कुल स्वाद के अनुसार। अब इसे पैक करके पकने के लिए चढ़ा दिया है। दाल और पालक खूब अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम अब इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। दाल को मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है। ये देखिए, ये इतना गाढ़ा है। अब जैसा गाढ़ा बनाना है, थोड़ा पतला बनाना है। जैसे रोटी पर तो थोड़ा गाढ़ा दाल चलता है, लेकिन चावल पर हल्का सा हम इसे पतला कर लेते हैं, चावल पर खाना हो तो। मैं इसे थोड़ा सा बॉयल होने के लिए चढ़ाई हूँ, बस एक बार इसे बॉयल करना है। दाल खूब अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ और दाल को ढक देती हूँ। कलछुल में हम तेल घी कुछ भी ले सकते हैं इससे तड़का लगाने के लिए। हरी मिर्ची लाल हो चुका है, वो तेल में डाल देती हूँ। साथ ही साथ 3 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे थोड़ा सा कूट लेना है। मिर्ची जब थोड़ी भून जाए हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब जीरा भी थोड़ा भून चुका है, इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को जलाएंगे नहीं, बस हल्का सा उसे ब्राउन होने छोड़ेंगे और हींग डालेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम दाल में तड़का लगा देंगे। तड़का लगाकर थोड़ी देर जरूर ढककर छोड़ने का है। देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पालक दाल तैयार हो जाता है। इसके पहले मैंने पालक राइस बना करके आप सबके साथ शेयर किया है, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। मैंने पालक की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।